और यूक्रेन के बीच 6 दिनों से चल रही जंग में मंगलवार को एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक भारतीय छात्र की यूक्रेन के खार्किव में हुई बमबारी में मौत हुई है। छात्र की पहचान नवीन शेखरप्पा के रूप में हुई, जिसकी उम्र 21 साल थी और जो मूल रूप से कर्नाटक के चलगेरी का रहने वाला था। नवीन खार्किव की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। बता दें कि जिस नवीन की मौत हुई है, उसका 2 दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह अपने परिवार वालों से बात कर रहा था। इस भयावह माहौल के बीच 2 दिन पहले उसने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात की थी और उम्मीद जताई थी कि वो जल्द ही अपने देश वापस लौट आएगा। इसके अलावा यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को छात्रों सहित सभी भारतीयों को उपलब्ध ट्रेन या किसी अन्य माध्यम से तत्काल कीव छोड़ने का सुझाव दिया। दूतावास ने ट्वीट किया, छात्रों सहित सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे आज उपलब्ध ट्रेन या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम के जरिए तत्काल कीव छोड़ दें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद युद्धग्रस्त देश का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगे यूक्रेन की सीमा चौकियों के जरिए बाहर निकाल रहा है। सोमवार को यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने छात्रों को राजधानी कीव में रेलवे स्टेशन पहुँचने की सलाह दी थी, ताकि वे युद्धग्रस्त देश के पश्चिमी हिस्सों तक आगे की यात्रा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।